हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने भारत मूवी का जो चाशनी सॉन्ग है वो मैंने कैसे बनाया है। तो मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट फाइल जो कि मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाया है तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो है मैं आपको इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है, फ्रंट लेयर है, वो देने वाला हूँ। तो इसको जो है आप दोनों ही तरीके से एडिट कर सकते हैं, और चाहे वो आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट में या फिर कोई दूसरे ऐसे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो क्रोमा की वगैरह सपोर्ट करता है, तो ऐसी किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जो आप इसको बना सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं अपनी वीडियो को। और साथ ही साथ जो है आप काइन मास्टर में भी बना सकते हैं। हालांकि कुछ जगह पे जो है काइन मास्टर पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा प्रोजेक्ट फाइल है। अब यहाँ पर एडोबी आफ्टर इफेक्ट में आप अगर देखें तो यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो कितने सारे लेयर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में जो है ये चीज़ पॉसिबल है ना। तो अगर हम काइन मास्टर की बात करें तो शायद ही काइन मास्टर इतने सारे वीडियो लेयर और इतने सारे इफेक्ट को सपोर्ट करता हो, या फिर इतने सारे इफेक्ट आपको काइन मास्टर में मिलेंगे। तो खैर, आप लोगों के लिए मैंने दो प्रोजेक्ट फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है जो कि इसका बैकग्राउंड है और इसका फ्रंट लेयर है। तो फ्रंट लेयर जो है वो ग्रीन स्क्रीन में मैंने कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो उसको जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में जो है आपको बाकी का स्टेप मैं बताऊंगा। और ये जो स्टेप है ये दोनों ही चीज़ों के लिए काम देगा, यानी कि आप काइन मास्टर में भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और एडोबी आफ्टर इफेक्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले जो है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मैं है डबल क्लिक करके इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर यह है बैकग्राउंड और ये है फ्रंट लेयर, तो इसको जो है हम यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये जो है दो फाइल हमारे आ चुके हैं तो इसको जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसका बैकग्राउंड जो है इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर कहाँ गया, तो यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारा न्यू कॉम्पोजिशन आ गया है। तो ये हमारा फ्रंट लेयर है, सॉरी बैकग्राउंड है, और ये जो है हमारा बैकग्राउंड है। तो इसको यहाँ से लेके मैं यहाँ से ड्रॉप कर लेता हूँ। तो फिलहाल जो फ्रंट लेयर है इसका आई बटन हम क्लोज़ कर देते हैं और बैकग्राउंड में देखते हैं। तो बैकग्राउंड में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ा के देखूँ तो यहाँ पर जो है आपको बैकग्राउंड मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्ट को रिमूव किया हुआ है। आप अगर पूरा स्टेप फॉलो करेंगे, खुद से अगर रिमूव करना चाहेंगे तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह पड़ती है। और इसमें जो है सिर्फ एडोबी आफ्टर इफेक्ट नहीं, इसमें जो है फोटोशॉप जो है उसका ज़रूरत पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको पेन टूल से मास्किंग वगैरह, तो बहुत सारा चीज़ जो है इसमें करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ को रिमूव कैसे करना है वो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो जो है बना के रखा है, चाहे वो काइन मास्टर का हो या फिर एडोबी आफ्टर इफेक्ट का, तो बना के रखा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जो है आपको शूटिंग वगैरह करना है। तो हमारा जो शूटिंग वीडियो है तो किस तरह से मैंने शूटिंग किया है आप उस हिसाब से कुछ शूटिंग वगैरह कर लीजिए अपने वीडियो के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर आपको उन चीज़ों को, उस शूटिंग वीडियो को क्रोमा की करना है और मास्किंग करना है। तो यहाँ से चलिए मैं अपना जो भी शूटिंग वीडियो है उसको इस फाइल से इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर पूरा एक्सप्लेन अगर मैं करने लगूँगा, पूरा प्रोसेस अगर मैं करने लगूँगा तो वीडियो बनाने में शायद 3-4 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं जो है यहाँ पर अपना जो भी वीडियो है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से जो है मैंने अपना वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से एडिट में जाके हम इसको कॉपी कर लेंगे और हमारे जो इस वाले कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं, और यहाँ से एडिट में जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है तो ये मेरा वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर
अब यहाँ से मैं आपको यहाँ क्या क्या मैंने किया है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड पे एम प्रेस कर रहा हूँ और इसको नन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इफेक्ट में जाके मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा शूटिंग वीडियो है, और यहाँ पर मैंने पेन टूल की मदद से यहाँ ग्रीन स्क्रीन जो है अपना एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको मैंने क्रूप किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जब आप क्रूप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद में इसको जो है यहाँ से मैंने क्रोमा की किया हुआ है, तो ये इस तरह से आ गया। तो ये हमारा फ्रंट लेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हैंड वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम इसके लिए जो है हमको फ्रंट लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि पहले मैं अपना सारा सीन जो है दिखा दूँ, तो ये वाला सीन कुछ इस तरह से आ गया, फिर दूसरा सीन ये कुछ इस तरह से है, और ये सीन भी देखेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर अपना जो शूटिंग वगैरह है, सीन वगैरह सब सेट सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी जो करना है, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे तो इस तरह से है। अब यहाँ पर इसके बाद में सारे सीन आपको जब सेट कर लेंगे, तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। सेट करने के बाद में उसके बाद में जो है आपको ज़रूरत जो होगी वो है फ्रंट लेयर की। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्रंट लेयर को ऑफ करके रखा है और ये यहाँ पर है। तो इसको जो है सबसे आखिर में जब आपका सीन सब सेट हो जाए तो इसको सबसे ऊपर में रखें, क्योंकि ये फ्रंट लेयर है, और मिडिल में जो है अपना जो भी शूटिंग वीडियो है, और सबसे नीचे आपका बैकग्राउंड वीडियो है। अब यहाँ से जो है मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो हमारा फ्रंट लेयर जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ इसको आपको क्रोमा की करना है। तो काइन मास्टर में आप क्रोमा की कैसे करेंगे आपको पता है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। सिंपल हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट में, और यहाँ से जाएंगे कीइंग के ऑप्शन में, और यहाँ की लाइट 1.2 इसको लेना है, और यहाँ से हमको ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रोमा की कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो ये है हमारा फ्रंट लेयर ऑफ होता है, और यहाँ ऑन में कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इजीली जो है अपने लिए, चाहे काइन मास्टर हो या फिर कुछ और हो, वहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं ये ग्रीन स्क्रीन पूरा किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट लेयर मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ भी देखें, ये हमारा फ्रंट लेयर है, यहाँ सारा चीज़ जो है अरेंज किया हुआ है मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें से जो है बैकग्राउंड और फ्रंट लेयर मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, आपको यहाँ पर से सिर्फ जो है इसको ऐड करना है। सो गाइस, इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। अब बाकी आपके ऊपर है डिपेंड, क्योंकि आपको जो है अपना टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा टाइम देना है, और कुछ जगह पे जो है आपको अपना दिमाग लगाना है, और आप जो है इस तरह से बना सकते हैं अपना वीडियो। सो गाइस, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका कोई भी सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।